सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग गाइस। मैं जस्ट अभी उठा हूँ, जल्दी सुबह हो गई मेरे लिए, अच्छी छुट्टी के दिन, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा लेट तक सो, लेकिन यहाँ सनलाइट बहुत जल्दी आ गया, अभी आ जाएगा क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो चुका है। तो नियरली ऑब्वियसली ये 7:30-8 बजे के आसपास तो यहाँ पर सनलाइट ऑब्वियसली आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जब वेदर अच्छा होगा। तो आज जल्दी आ गया, ये विंडो था और मैं यहाँ पर सो रहा था तो सीधा सनलाइट आया तो मैं जल्दी उठ गया। फिर सोचा कि अब फिर कंटिन्यू सोने से कुछ मज़ा नहीं आता, अगर एक बार नींद टूट जाती है तो। फिर मैंने सोचा जल्दी चलो उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वेदर भी अच्छा है तो थोड़ा सा हम लोग घूम सकते हैं या कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं आज के वेदर के दिन। तो चलिए आज मैं जल्दी से अभी पहले नहा लेता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ नहाने के बाद। और कैसे, मैंने जस्ट अभी नहा लिया, फ्रेश हो चुका हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेश होने के बाद, पूरा नींद ही उड़ गया। सो देखो अभी बहुत इतना अच्छा, पूरा सनी वेदर है, देखो क्लाउड भी देखो पूरा क्लियर है, तो अभी इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पता है, पता है टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर भी अभी 7 डिग्री है, 8 पंखे हो गया, 12-13, दोपहर तक तो यहाँ पे 12-13 डिग्री हो जाएगा, मतलब 12-13 मतलब बहुत ही इनफ है यहाँ पे समर के लिए। सो चलो मैं फ्रेश हो गया और अभी सबसे बड़ा टाइम अभी मेरा है ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं नीचे जाता हूँ, दिखता हूँ रक्षा ने मेरे लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाया और उसने किया कि नहीं किया। अभी ये रूम को क्लीन करना है, कितने वीक हो गए, देखो अभी भी बलून, हैवी बर्थडे, धर्मी का बर्थडे था वो, कभी कभी ऐसा है। जस्ट अभी नीचे आया और शायद रक्षा ने ब्रेकफास्ट आधा बना दिया है, आधा बनाना बाकी है और ये दूध भी खत्म हो गया। दूध लाना है? नहीं, हम दोनों का हो गया, अभी कल के लिए लाना होगा। अभी कल के लिए लाना होगा, वैसे भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो लेकर आएंगे। तो ये रक्षा अभी किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, मैं आया नीचे 9:30 बजे और वो आ चुकी थी 8:30 बजे, तो वो अभी थोड़ा सा ये किचन वगैरह क्लीन करे क्योंकि हमें सच में टाइम नहीं मिलता। एक दो दिन छुट्टी जब मिलती है तब हम दोनों मिलकर थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। तो आज वो बनाएगी, क्या बनाने वाली है तू? पौवा, बटे का पौवा, बटे का पौवा बनाने वाली, उसको खाने का मन है, मुझे भी खाने का मन है। तो ये हम देखो, ये वो लेकर आए थे, मैंने बताया था आपको, मिट्टी लेकर आए थे, अब उस पर वो रक्षा को लाना है एक गुलाब की कड़ी, जो अभी अभी आज हम फाइंड करने जाएंगे। यही है फुदीना। फुदीना अपने आप कैसे बढ़ गया, उसके अंदर था लेकिन विंटर में नहीं था, लेकिन अभी समर में आ चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर, अभी भी ब्रेकफास्ट करना मैंने है, मैंने सोचा गरम गरम अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ये काम मैंने सोचा कर लूं। सब बोलते हैं इंडिया में कि यहाँ पे कुछ गंदा नहीं होता है, लेकिन देखो कितना गंदा होता है। हाँ, ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं, देख यहाँ हम रहते थे उससे यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उठती है, लेकिन जो हम खाना बनाते हैं उसका तो वो उठता ही है ना। हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले हम लोग यहाँ पे पता है ना, ये ब्रिटिश लोग रहते थे तो उनका किचन कितना क्लीन था, क्योंकि वो लोग खाना बनाने की जरूरत होता ही नहीं था। हम लोग जब घर देखने के लिए आए थे तब सिर्फ एक माइक्रोवेव पड़ा था और ये किचन पे देखो जैसे कि हमारा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, वैसा यहाँ पे उनका किचन में कुछ था ही नहीं, पूरा क्लीन था, एक माइक्रोवेव था सिंपल, ऐसा लग रहा था कि नया किचन अभी बनाया 1 महीने पहले, वैसा वैसा हमें लग रहा था, लेकिन उनको कुछ बनाने की जरूरत नहीं। और हमारे इंडिया में तो पता है ना कितने सारे ज्यादातर ग्रिल ही खाते हैं ना। हाँ, बॉइल करके खा लेते हैं या फ्राई करके खा लेते हैं, तड़का नहीं लगाते, ज्यादा मसाला यूज नहीं करते, तो फिर इसीलिए थोड़ा किचन गंदा होता है और हमें ही करना पड़ता है। हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये किसका फूल है, आई डोंट नो, सूर्यमुखी जैसा दिख रहा है, नहीं सूर्यमुखी नहीं है, देखो वहाँ पे भी, देखो वहाँ पे भी, ये सब निकालना पड़ेगा नहीं तो पता है यहाँ पूरे गार्डन में हो जाएगा। ये भी एक एक्स्ट्रा हुआ है, पता नहीं ये क्या है, ये मैं निकाल दूँ, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी समर होगा तो कंटिन्यू वापस ये सब इधर गार्डन में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पवन पवन ज्यादा लग रहा है मेरे को, जैकेट पे लो, नहीं भाई अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाहर आया था, थोड़ा सा ही हवा है, पवन है, इतना ज्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि विटामिन, हम लोग डी यहाँ पे विटामिन डी जल्दी से नहीं मिलता है। और ये पेड़, ये चेरी का है, देखो अभी उसमें ना छोटे छोटे से फ्लावर आ गए, आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था कि यहाँ पे इतनी सारी चेरी लगेगी इस पेड़ पर, और कितनी चेरी तो यहाँ पे हमारे गार्डन में गिरेगी, कहाँ रोड पे गिरेगी, बहुत सारी हम लोग खाएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे वैसे ही। सो मैं थोड़ी देर गार्डन में सनलाइट ले रहा था, उस टाइम पे रक्षा ने ब्रेकफास्ट बना दिया हमारे लिए, ये देखो ये है बटे का पौवा जो रक्षा को और मुझे दोनों को बहुत पसंद है, तो ये फाइनली उसने बनाया, 10-15 हो चुकी है, तो आधा घंटा के बाद उसने बना के रेडी कर दिया। अभी वो बोलती है कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं खाना है, वो उसको खाना है गार्डन में या ऊपर, दोनों से एक जगह, कहाँ खाना है, ऊपर गार्डन में, तुम बोलते हो ना
थोड़ी ठंडी है, थोड़ा सा पवन आ रहा है तो कंटिन्यू अगर बैठेंगे तो थोड़ा ठंड लगेगा। तो ऊपर चल रहे, ऊपर थोड़ी देर हॉल में वेट कर खाते हैं। चलो सो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और हम लोग यहाँ इसी सेव डालिए, हाँ आलू सेव डालिए जो इंडिया की होती है, तो हम लोग ऊपर आ चुके क्योंकि उसको टीवी देखकर खाना था, है ना। आज छुट्टी है तो ऑफिस ली थोड़े अच्छे से ऐसे करेंगे ना, रोज तो ऐसे फटाफट 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 करके निकल जाते हैं। सो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे थे और आसानी बजे था, तो फाइनली कितने टाइम के बाद हम लोगों ने ये कपड़े सुखाने का स्टैंड आज किया, चालू 4-5 महीने के बाद आज यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए। बाजू वाले के घर की बिल्ली, उनके पास शायद 2 वाली ऐसी के कभी कभार हमारे घर पे आती है। टाटा बाय 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 बाय। बाय बोल के वो खुद जा रही है, मुझे जाना चाहिए, वो खुद जा रही है। देखो वो रही मेरी गाड़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आगे का डोर लॉक किया है कि नहीं किया, वो चेक करने के लिए लॉक किया हुआ क्योंकि मैं पोछा लगा रहा था तब मैंने डोर ओपन किया था तो मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था कि बंद किया था कि नहीं किया, तो चेक करने के लिए मैं गाड़ी पार्क करके यहाँ पर आया था। देखो गार्डन में भी सब लोग खेलने के लिए भी आ गए आज से, मतलब अभी से। यहाँ रोड पे कुछ भी काम चलता है अगर साइड पे, तो ऐसे रोड यहाँ पे सिंगल साइड रोड बंद कर देते और ये लोग काम करते तो उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होता और ट्रैफिक भी जाम नहीं होता और सिग्नल लाइट नहीं लगा देते। जैसे कि अभी ये हमारा टर्न है जाने का, तो सामने वाला भी सब लोग रुक गए होंगे, यहाँ पे सब काम चल रहा है और ये सिग्नल लाइट यहाँ पे ऑफ है ये सामने वाला के लिए। तो यहाँ पे ये सब्जी मार्केट है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है सबसे सस्ता वाला मिलता है, ये सब्जी मार्केट देखो ये यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चीप मिल जाती है फ्रूट्स के लिए और वगैरह के लिए, ये सब देखो ये सब छोटी छोटी बाइकें होती है जो हैंडीकैप लोगों के लिए, वो सब होता है, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, सब चीप थोड़ा सा मिलता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा मिल जाता है। और कैसे देखो हम लोगों ने जो शॉपिंग किया वो इतनी चीज़ किया, थोड़ी सी गार्डन के लिए और एक बैग ले लिया था और गार्डन का कुछ शॉप किया इसने रक्षा ने रोज़ लिया है और मिल्क वगैरह सब कुछ शॉपिंग किया। और आज है, आज छुट्टी का दिन था इसीलिए देखो यहाँ पर पूरा पार्किंग पूरा फुल है, ये यहाँ पे सबका सीट्स है अलग अलग, ये सीट्स लिया, कैची लिया है। तो अभी हम आए हैं, देखो कितना सारा सामान लेकर आए, लेकिन मुझे भूख लगी है तो पहले थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद हम सारे प्लांट्स को करते हैं। तो उसमें देखो पहले आते ही ये वाटरमेलन ऑरेंज खाना शुरू हो जाए क्योंकि अभी ये था, ये गर्मी की सीजन में ये सबसे बेस्ट है खाने का, तो इसको पसंद था तो ये लेकर आई। तो और सारे प्लांट्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैं फ्लावर्स लेकर आई हूँ इसमें है। हाँ मैं दिखाती हूँ फिर आपको, ये है 1, 2, 3, 4 मैंने गैरेज में से निकाला ये सब, इसके अलावा अंदर भी यहाँ पर 3 पड़े हुए हैं, तो ये एक मिट्टी है उसमें सब कुछ डालकर अब ये रोज़ लेकर आई है, फिर ग्रास के सीड्स लेकर आई है। सो लेट्स सी अभी थोड़ा अभी जस्ट घर पे आए और आते ही अभी थोड़ा सा इसने बोला भूख लगा है तो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद अभी करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू अभी सनलाइट रहेगा 8:30 बजे तक रहेगा, अभी नहीं रहेगा, अभी तो 8 बजे तक रहेगा, तो तब तक है सनलाइट तो कर लेते हैं जल्दी से, और आज ठंड भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है, नहीं पवन भी है सुबह थोड़ा था अभी नहीं है तो इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो, ये देखिए गाइस आधा बहुत क्लीन कर लिया हमने, ये देखो बैग दूसरी बैग है, ये इधर से सब कुछ क्लीन कर लिया, कितना काम होता है देखो। इंडिया में तो हम किसी और को ऐसे बुलाकर लाइक एक बंदे को बुलाकर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको रखा है स्पेशली मैंने इंडिया से बुलाया माली बना दिया माली करने के लिए, मैंने भी किया ना ये सब कुछ, मैंने भरा है इधर से सारा कुछ क्लीन मैंने किया, ये सिर्फ कट कर रहा है बाकी का मैं करती हूँ, देखो इधर से भी क्लीन किया, थोड़ा न्यू ग्रो करेंगे ना ये तो अच्छा लगेगा।
है ना? हाँ, कैसा हाँ। फील हो रहा है यू हाँ। यू के में आ ने जो गार्डन का था काफी आगे थोड़ा सा क्लीन किया और पीछे जो भी जितने भी गमले थे वो सब में इसने रोज, जब वो ग्रो कर जाएगा तो पता चलेगा कि हमें भी, क्योंकि कैसा है कि हम लोगों ने सीड्स लेकर आए, सीड्स में तो बहुत अच्छे अच्छे कलर वगैरह दिख रहे थे, अगर जब ग्रो करेंगे तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा वाला है। तो अभी बच चुके हैं यहाँ पे 8 और फिर भी देखो यहाँ पे, देखो ये सनलाइट अभी भी काफ़ी है, थोड़ा सा अभी धूप दिख रहा है, धूप नहीं दिखता अभी। ओके गाइस, तो हमने थोड़ा सा लंच तो सुबह कर लिया था, अभी डिनर की बारी। ओके तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिनर वगैरह कर लिया, डिनर करके थोड़ा सा बैठे थे, थोड़ा सा मुझे और अक्षा को दोनों को गले में थोड़ा सा हिचकिचा जैसा हो रहा है लाइक से, पता है हम लोग तो इंडिया में होते तो विक्स वगैरह लेते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर होता है तो डॉक्टर वगैरह ये बोल दे तुम पैरासीटामोल ले लो तो मैं ठीक हो जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि मैंने सर्च भी किया तो ऐसा लगा कि जो ये हनी आता है ये शायद यहाँ से लिया था, पता नहीं कहाँ से लिया था, ये हनी और लेमन थोड़ा सा गर्म पानी में पी लो तो थोड़ा सा सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसमें यह पानी गर्म किया, एक स्पून जैसा पानी वो थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देता हूँ और थोड़ा सा लेमन डाल देता हूँ, पी लो टेस्ट में अच्छा लगेगा, लाइक स्वीट टेस्ट भी आ रहा है और लेमन का टेस्ट भी आ रहा है। ये देखो तो हम लोगों ने प्लांट सब रखा के अभी घर पे रख दिया, आज का दिन है इसीलिए गार्डन की थोड़ा सा शॉपिंग किया तो आज गार्डन को थोड़ा सा दिन दे दिया क्योंकि एक दिन था और आज बहुत अच्छा सनी वेदर था। सो होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों को अगर व्लॉग अच्छा हो लगा हो तो। अगर व्लॉग आपको अच्छा ना लगा हो तो हमें बताइएगा कि इस तरह से व्लॉग आपको अच्छा नहीं लगा तो हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ 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 आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो उस तरह से मैं अपडेट हम हमारी तरफ से हो सके उतना कोशिश करूंगा कि आपको यूके की लाइफ जो भी होती है रूटीन लाइफ होती है, मैं आपको सिर्फ रूटीन लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि घर पे हम लोग जब होते हैं तो क्या करते हैं, नहीं बाहर जाते हैं घूमने कभी कभार जाते हैं तो मैं आपको कवर करता हूं, लेकिन जब भी हम लोग घर पे ही होते हैं तो जो घर पे नॉर्मल लोग लाइफ में क्या करते हैं वो मैं बताने की आपको कोशिश हमेशा करता हूं जो हम लोग करते हैं। तो होप्स अगर आप सबको अच्छा लगता हो, अगर अच्छा ना भी लगता हो तो किस तरह से आप चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, हमें उस तरह से हम अपडेट करेंगे, उस तरह से वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। ओके सो आज का व्लॉग बस यही पे मैं करता हूँ एंड और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।